हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वाले लेक्चर में अपन बात करेंगे कि भारत के कौन कौन से प्रमुख हर्बेरिया है जहाँ पर हर्बेरियम सीट कलेक्ट की गई है, संग्रहित की गई है या रखी गई है। जितने भी हर्बेरियम सीटें हैं पूरे भारतवर्ष में, वह कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर हर्बेरिया बनाए गए हैं और जहाँ पर हर्बेरियम सीटों को कलेक्ट किया गया है। तो भारत में वर्गीकरण की पद्धति के आधार पर 19वीं शताब्दी के अंत तक हुक्कर द्वारा प्रकाशित द फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया उसके पश्चात बैंथम और हुकर द्वारा प्रकाशित जेनेरा प्लांटेरम वो बैंथम और हुकर द्वारा प्रकाशित जेनेरा प्लांटेरम में हर्बेरियम को प्रकाशित किया गया। अर्थात कहने का मतलब है कि भारत में जो शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी के अंत तक हुकर द्वारा प्रकाशित फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसके पश्चात बैंथम और हुकर द्वारा प्रकाशित जेनेरा प्लांटेरम में हर्बेरिया का विस्तृत वर्णन किया गया है। अब इसके बाद में अपन बात करें कि भारत में सबसे पहले भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण जिसको अपन कहते हैं BSI, BSI द्वारा सबसे पहला हर्बेरियम स्थापित किया गया शिवपुर कोलकाता में। तो BSI द्वारा पहला हर्बेरियम स्थापित किया गया वह किया गया शिवपुर कोलकाता में। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पिछले वाले लेक्चर में भी अपन ने बात की थी, इसकी स्थापना कब हुई थी यह पहले बताया था मैंने आपको, शिवपुर कोलकाता में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला हर्बेरियम है। इसके बाद भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग हर्बेरियम सीटों के हर्बेरिया बनाए गए हैं। अर्थात कहने का मतलब है भारत में अलग अलग स्थानों पर पादप संग्रहालय बनाए गए हैं जहां पर उन हर्बेरियम सीटों को सुरक्षित और संग्रहित किया गया है। तो हर्बेरियम क्या है? पादपों को सुखाकर, दबाकर या चपटा कर उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर संग्रहित करना ही क्या कहलाता है? हर्बेरियम। तो वह भारत में कौन कौन से ऐसे स्थान है जहां पर हर्बेरिया है, जहां पर उन हर्बेरियम सीटों को कलेक्ट किया गया है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहला जो अपना हर्बेरियम है
इसके बाद पूरे भारत में वर्गीकी पर अध्ययन कर प्लांट टैक्सोनॉमी पर अध्ययन करके भारत में फ्लोरा तथा हर्बेरियम सीटों को संग्रहित किया गया। अब फ्लोरा क्या होती है, स्थानीय भाषा में कहते हैं फ्लोरा कोई भी लोकेलिटी है, जिस क्षेत्र का कोई प्लांट है उस प्लांट में उसकी लोकेलिटी क्या है, उसका वर्निकुलर नेम क्या है। तो उस फ्लोरा में एक फ्लोरा एक बुक है, उसके अंदर उस पूरे प्लांट की प्लांट डिस्क्रिप्शन क्लासिफिकेशन सहित उसमें लिखी जाती है। उस फ्लोरा के अंदर विथ डायग्राम, उसमें डायग्राम भी आता है, जैसे राजस्थान की लोकल फ्लोरा है, यहाँ की वेजिटेशन क्या है, कौन कौन से प्लांट्स हैं, वो सारा आपका उस फ्लोरा के अंदर आता है। इसी प्रकार से पादपों को सुखाकर लंबे समय तक संग्रहित कर उनको अपन क्या करते हैं, हर्बेरिया। अब भारत में ऐसे कौन कौन से हर्बेरिया बनाए गए हैं, तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला हर्बेरियम है आपका द सेंट्रल, द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, भारत का सबसे पहला बड़ा हर्बेरियम है द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, यह आपका स्थित है शिवपुर कोलकाता, शिवपुर कोलकाता। और भारत का सबसे पहला और बड़ा गार्डन, बॉटनिकल गार्डन भी कहाँ पर है, शिवपुर कोलकाता में। तो भारत का यह है, भारत का सबसे बड़ा व पहला हर्बेरियम। अठारह सौ अड़सठ से लेकर आज तक प्रेजेंट टाइम में लगभग 25 लाख से अधिक हर्बेरियम सीटों को संग्रहित किया गया, हर्बेरियम सीटों को संग्रहित किया गया। तो भारत का सबसे बड़ा व सबसे पहला जो हर्बेरियम है वह है द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, वह आपका कहाँ स्थित है, शिवपुर कोलकाता में। और राज्य की बात करें तो राज्य कौन सा है, पश्चिमी बंगाल, राज्य कौन सा है, पश्चिमी बंगाल। 1868 से लेकर आज तक जो प्रेजेंट टाइम में है उसमें लगभग 25 लाख से अधिक हर्बेरियम सीटों को संग्रहित किया गया। इसमें पश्चिमी बंगाल के आसपास के जितने भी राज्य हैं, जो इनके आसपास के जितने भी राज्य हैं, उन सारी सीटों का जो कलेक्शन है वह कलेक्शन कौन से हर्बेरियम में है, द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला हर्बेरियम है। इसी प्रकार से दूसरे हर्बेरियम की बात करते हैं, द नदर्न सर्कल हर्बेरियम, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा हर्बेरियम है, द नदर्न सर्कल हर्बेरियम। यह आपका स्थित है देहरादून में, कहां पर स्थित है, देहरादून। और राज्य कौन सा है, उत्तरांचल। यह भारत का दूसरा बड़ा हर्बेरियम।
तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है? द नदन सर्कल हर्बेरियम, जो कहां पर स्थित है? देहरादून उत्तरांचल में। कहां पर है? देहरादून उत्तरांचल में। इसकी स्थापना, इस हर्बेरिया की स्थापना 1956 में की गई, 1956 में। इस हर्बेरियम की स्थापना कब की गई? 1956 में। और इसमें 10 लाख से अधिक, कितनी? 10 लाख से अधिक हर्बेरियम सीटों को संग्रहित किया गया है। और इसमें जो राज्य आते हैं वह आते हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और इसके आसपास के जितने भी राज्यों की जो सीटें, हर्बेरियम सीटें हैं, वह संग्रहित की जाती किसमें? द नदन सर्कल हर्बेरियम, जो आपका कहां पर स्थित है? देहरादून उत्तरांचल में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हर्बेरियम है, जिसकी स्थापना कब की गई? 1956 में, 1956 में की गई। यहां पर 10 लाख से अधिक हर्बेरियम सीटों को संग्रहित किया गया है। और इसमें जो सीटें संग्रहित की जाती है अन्य राज्यों से, वह राज्य है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और भी इसके आसपास जितने भी राज्य हैं, उन सारी हर्बेरियम सीटों का जो संग्रह या कलेक्शन जो किया जाता है, वह कौन से हर्बेरियम में किया जाता है? द नदन सर्कल हर्बेरियम कहां पर स्थित है? देहरादून उत्तरांचल में। नेक्स्ट जो आपका तीसरा है, नेक्स्ट आपका है द ईस्टर्न सर्कल हर्बेरियम। यह आपका स्थित है शिलांग। कहां पर स्थित है? शिलांग। और यह शिलांग आपका आसाम में। कहां पर है शिलांग? आसाम। यह भारत का तीसरा हर्बेरियम है, जिसकी स्थापना, इसकी भी 1956 में हुई। भारत के तीसरे प्रमुख हर्बेरियम है द ईस्टर्न सर्कल हर्बेरियम, जो कहां पर स्थित है? शिलांग आसाम में, जिसकी स्थापना कहां हुई? 1956 में। इसमें भी 1,10,000 से अधिक सीटों को संग्रहित किया गया है। 1,10,000 से अधिक। अब इसमें जो आने वाले राज्य हैं वह है आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। इन सभी राज्यों की हर्बेरियम सीटों का जो संग्रहित किया जाता है, वह कौन से हर्बेरियम में किया जाता है? द ईस्टर्न सर्कल हर्बेरियम, जो आपका कहां स्थित है? शिलांग। और शिलांग का राज्य कौन सा है? आसाम। यह भारत का तीसरा हर्बेरियम है, जो कहां पर है? शिलांग आसाम में। इसकी स्थापना हुई 1956 के अंदर और इसमें 1,10,000 से अधिक सीटों का संग्रहित किया गया है। और इसमें जो आने वाले राज्य हैं वह है आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम इत्यादि राज्यों से हर्बेरियम सीटों को संग्रहित करके कहां पर किया जाता है? कौन से हर्बेरियम है? द ईस्टर्न सर्कल हर्बेरियम। नेक्स्ट आता है
द सदर्न सर्कल हर्बेरियम द सदर्न सर्कल हर्बेरियम द सदर्न सर्कल हर्बेरियम यह आपका स्थित है कोयम्बटूर। और ये कोयम्बटूर कहाँ पर स्थित है? कौन सा नाडु? तमिलनाडु। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। तो चौथा हर्बेरियम अपना द सदर्न सर्कल हर्बेरियम ये आपका कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इसकी स्थापना 1955 में की गई। द सदर्न सर्कल हर्बेरियम की स्थापना 1955 में की गई और यहाँ पर लगभग 2 लाख से अधिक, कितनी? 2 लाख से अधिक सीटों को संग्रहित किया गया है। कौन से हर्बेरियम में? द सदर्न सर्कल हर्बेरियम कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में, जहाँ पर इसकी स्थापना 1955 में हुई और यहाँ पर 2 लाख से अधिक सीटों को संग्रहित किया गया है। इसमें जो आने वाले राज्य हैं वह है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल इत्यादि राज्यों की हर्बेरियम सीटों को संग्रहित करके कौन से हर्बेरियम में रखा जाता है? द सदर्न सर्कल हर्बेरियम, जो आपका कहां पर स्थित है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है द वेस्टर्न सर्कल हर्बेरियम। अभी पांचवा हर्बेरियम है द वेस्टर्न सर्कल हर्बेरियम, जो स्थित है आपका पूना। कहां पर स्थित है? पूना। और ये पूना कहां पर है? महाराष्ट्र में। पूना कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो पांचवा हर्बेरियम कौन सा है? द वेस्टर्न सर्कल हर्बेरियम, जो कहां पर स्थित है? पूना महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना भी 1956 में हुई। इसकी स्थापना भी 1956 में हुई। यहां पर भी 1 लाख से अधिक सीटों को संग्रहित किया गया है। और इसमें जो आने वाले राज्य हैं वह है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इत्यादि राज्यों की सीटों को संग्रहित करके जिस हर्बेरियम में रखा गया है वह है द वेस्टर्न सर्कल हर्बेरियम, जो आपका कहां पर स्थित है? पूना महाराष्ट्र में। इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करते हैं द सेंट्रल सर्कल हर्बेरियम BSI यह आपका स्थित है इलाहाबाद में। कहां पर स्थित है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश। तो आपका छठा हर्बेरियम है द सेंट्रल सर्कल हर्बेरियम BSI, कहां पर स्थित है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना
1962 में हुई, 1962 में हुई, और इसमें भी 50,000 से अधिक, 50,000 से अधिक सीटों को संग्रहित किया गया। इसमें भी 50,000 से अधिक सीटों को संग्रहित किया गया। इसमें जो आने वाले राज्य हैं वह है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की जितनी भी सीटें, हर्बेरियम सीटें बनाई जाती है, जो कलेक्ट की जाती है, उनको कौन से हर्बेरियम में रखे जाते हैं? द सेंट्रल सर्कल हर्बेरियम BSI कहाँ पर है? इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में। और इस हर्बेरिया में 50,000 से अधिक सीटों को संग्रहित किया गया है, और इसमें जो आने वाले राज्य हैं वह है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। दोनों राज्यों से जितनी भी सीटें कलेक्ट की जाती है उन सीटों को हर्बेरिया में रखा जाता है। उस हर्बेरिया का नाम है द सेंट्रल सर्कल हर्बेरियम BSI इलाहाबाद में। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है द एरिड जोन सर्कल हर्बेरियम। द एरिड जोन सर्कल हर्बेरियम यह आपका स्थित है राजस्थान के जोधपुर में। कहां पर स्थित है? जोधपुर, राजस्थान। कौन सा है? द एरिड जोन सर्कल हर्बेरियम जोधपुर राजस्थान में है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई, 1972 में, जिसकी स्थापना 1972 में की गई। इसमें भी 40,000 से अधिक सीटों को संग्रहित किया गया है। कितनी? 40,000 से अधिक सीटों को संग्रहित किया गया है। इसमें जो आने वाले राज्य हैं वह है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा आदि राज्यों की हर्बेरियम सीटों को संग्रहित किया जाता है। जो हर्बेरियम सीटें कलेक्ट कर रहे हैं उनका हर्बेरिया कौन सा है? द एरिड जोन सर्कल हर्बेरियम जोधपुर, राजस्थान। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट आता है द अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार सर्कल हर्बेरियम यह आपका स्थित है अंडमान और निकोबार में। यह आपका स्थित है अंडमान और निकोबार में। यहां पर भी 10,000 से अधिक सीटों का संग्रहित किया गया। अंडमान और निकोबार के जितने भी आसपास में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की जो सीटें कलेक्ट की जाती है उनको कौन से हर्बेरियम में रखा जाता है? द अंडमान एंड निकोबार सर्कल हर्बेरियम। इस प्रकार से कुछ और भी हर्बेरियम है, लेकिन ये जो हर्बेरियम भारत के यह प्रमुख हर्बेरिया की गिनती में आते हैं, जो मुख्यतः 8। पहला कौन सा था? द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, वह आपका स्थित था शिवपुर कोलकाता में। इसी प्रकार से दूसरा हर्बेरियम कौन सा था अपना? द नदर्न सर्कल हर्बेरियम, वह कहां पर स्थित था? देहरादून, उत्तरांचल में। इसी प्रकार से अपना तीसरा हर्बेरियम है द ईस्टर्न सर्कल हर्बेरियम, जो कहां पर स्थित था आपका? शिलांग, आसाम में। इसी प्रकार से चौथा था अपना द सदर्न सर्कल हर्बेरियम। कौन सा था? द सदर्न सर्कल हर्बेरियम, यह आपका स्थित था कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर कहां पर है? तमिलनाडु में। इसी प्रकार से अपन ने बात की थी द सेंट्रल सर्कल हर्बेरियम, यह आपका कहां पर स्थित है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में।
द एरिड जोन सर्कल हर्बेरियम, यह आपका कहां पर स्थित है, जोधपुर राजस्थान में। इसी प्रकार से नेक्स्ट है द अंडमान एंड निकोबार सर्कल हर्बेरियम, यह आपका कहां पर स्थित है, अंडमान और निकोबार में। अब ये भारत में और भी जगह है। वर्गीकी पर अध्ययन करते हुए, प्लांट टैक्सोनॉमी पर अध्ययन करते हुए विथ क्लासिफिकेशन सहित इन हर्बेरियम सीटों को बनाया गया है और इस हर्बेरिया में संग्रहित किया गया। मान लेते हैं जितने भी हर्ब है, श्रब्स है, जितने भी प्लांट्स अपने पास में हैं, जहाँ जहाँ से मिल रहे हैं, उन प्लांट्स को अपन ने हर्बेरियम सीटों पर कलेक्ट किया, हर्बेरियम सीटों पर रखा। उन हर्बेरियम सीटों को जो संग्रहित किया गया है कि लंबे समय तक उनकी स्टडी हो सके, अध्ययन की दृष्टि से सभी पादप को यदि अपन एक ही जगह पर अध्ययन कर लें तो इस प्रकार से हर्बेरियम सीटों को बनाया गया है। और उन हर्बेरियम सीटों को अगर बना तो लिया अपन हर्बेरियम सीट, अब उन हर्बेरियम सीटों को सुरक्षित भी तो रखना होगा, तो सुरक्षित स्थानों पर रखने के लिए हर्बेरिया बनाए गए हैं। तो ये भारत के प्रमुख हर्बेरिया थे जहाँ पर सारे प्लांट्स अपने को उन हर्बेरिया जो अपने पादप संग्रहालय बनाए गए हैं वहाँ पर अपने को मिल जाएंगे। अध्ययन की दृष्टि से वर्गीकरण पद्धति के आधार पर एक सिस्टमेटिक पोजिशन के अकॉर्डिंग इन सभी सीटों पर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, प्लांट डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इस प्रकार से ये थे भारत के प्रमुख हर्बेरिया जिसकी बात की थी अपन ने। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे भारत के वानस्पतिक उद्यान, भारत के बॉटनिकल गार्डन कौन कौन से। ओके, थैंक यू सो मच।